नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अरबन नक्सल। दोस्तों आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं महाराष्ट्र रेरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर। महारेरा का जो ऑर्डर है उसका नाम है ऑर्डर नंबर 31 ऑफ 2022 और वो पास किया गया ऑन 1 जुलाई 2022। अब ये जो ऑर्डर है ये इससे पहले और एक ऑर्डर था, ऑर्डर नंबर 30 ऑफ 2022। ऑर्डर नंबर 30 को थोड़ा बहुत करेक्ट करते हुए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है ऑर्डर नंबर 31। दोस्तों फ्लैट बायर्स के लिए ये ऑर्डर बहुत ही जरूरी है जानना। और दोस्तों मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं कि ऑर्डर आपके लिए यानी कि फ्लैट बायर्स के तरफ से बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, बहुत ही सही ऑर्डर है। दोस्तों मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करने में चुकता नहीं हूं। अगर महारेरा ने गंदा काम किया है, अगर उन्होंने गलत ऑर्डर्स पास किए हैं तो मैं डंके की चोट पे उनको क्रिटिसाइज करता हूं, कहता हूं कि यह पूरा बकवास ऑर्डर है और बहुत गलत तरीके से गलत मंशा से किया हुआ ऑर्डर है, ऐसे मैं कहता हूं। लेकिन ये ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 30 एंड 31, बहुत ही सही ऑर्डर है। कसम से आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए और ये ऑर्डर आप अपने दिल में उतार लो। इतने सारे बिल्डर के अन्याय को सही करने वाला ऑर्डर है ये। बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शंस दिए गए हैं बिल्डर्स को कि किस तरह से अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए कानूनन, यानी कि उनको भागने के, इधर उधर भागने के रास्ते नहीं दिए। क्लियर कट कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा तुम अगर जब्त करोगे ना, 2% जब्त करोगे ये अग्रीमेंट वैल्यू के, 2% कंसिडरेशन का आप जब्त कर सकते हो, वो भी बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल होने के बाद। नहीं तो 0% जब्त करोगे अगर आपने कैंसिलेशन किया। आपको कैंसिलेशन करने के लिए क्लियर कट समय दिया जाता है, उसके बाद वो समय को पार कर लोगे तो 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, ऐसे इस तरह से उन्होंने बैंड्स में डिवाइड किए हैं। यानी कि बिल्डर्स के लिए एक तरह से वो तसल्ली भी मिल जाती है कि भाई उनका भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा रहा है, लेकिन उनको मनमानी करने का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ता है ये ऑर्डर नंबर 31। और इसमें इतनी सारी अच्छी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप प्लीज डाउनलोड करके, महाराष्ट्र रेरा से डाउनलोड करके ऑर्डर नंबर 31 खुद से पढ़ लीजिए, या फिर मुझे आप अगर व्हाट्सएप करोगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169471229, तो उसका पीडीएफ फाइल मैं आपको खुशी खुशी भेज दूंगा। और आपको अगर समझ में नहीं आता है मैं आपको फोन पे समझाने के लिए भी तैयार हूं। अब ये ऑर्डर के जो मेन पॉइंट्स हैं ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों ये करीब करीब 19-20 मिनट में मैं आपको करूंगा, आपको समझाऊंगा, इसलिए अब मैं तेज बोलने वाला हूं और उड़ते उड़ते मैं उसको टच करूंगा। तो दोस्तों पहली बात है कि इन्होंने ये ऑर्डर में बिल्डर्स को और सभी लोगों को याद दिलाया है कि महारेरा के पास अथॉरिटी है, पावर्स हैं प्रोमोटर्स यानी कि बिल्डर्स को इंस्ट्रक्शन देने के, डायरेक्शंस देने के कि तुम किस तरह से काम करोगे, तुम्हारा पेपर वर्क किस तरह से होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन 38 ऑफ रेगुलेशंस ने हमें पावर दिया है कि हम प्रमोटर्स को, बिल्डर्स को बताएं, और प्रमोटर्स ही नहीं एस्टेट एजेंट्स और अलॉटीज को भी, कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से व्यापार किया जाएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो ये डायरेक्शंस उन पावर्स को लेते हुए दे रहे हैं। अब ये डायरेक्शंस में क्या क्या है वो समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी एज पर रूल, रूल 10 ऑफ द रूल स्टेट्स दैट
एनी एप्लीकेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट साइंड बाय अलॉटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग प्रायर टू एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सच अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में बी शल नॉट बी कंस्ट्रूड टू लिमिट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी अंडर द अग्रीमेंट फॉर सेल अंडर द एक्ट और द रूल्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, आपने एक एप्लीकेशन साइन कर दिया, आपने अलॉटमेंट लेटर साइन कर दिया, लेकिन आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म पे सिग्नेचर और ये अलॉटमेंट फॉर्म पे सिग्नेचर के बल पर आपके अधिकार कम नहीं किए जा सकते. आपके जो अधिकार हैं वो हैं, आपके जो अधिकार हैं उनको काटा नहीं जा सकता, उनको लिमिट किया नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म या अलॉटमेंट लेटर पे साइन कर दिया. बहुत काम की चीज है दोस्तों, क्योंकि लोगों से साइन करवा लेते हैं और फिर कहते हैं देखो तुमने साइन किया था हम फॉरफिट कर रहे हैं. नहीं कर सकते हो तुम लोग ये काम, ये गलत काम कर रहे हो. तो ये बात स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाया. अब दूसरी बात, द प्रोफोर्मा, अभी इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र रेरा एक प्रोफोर्मा दे रहा है अलॉटमेंट लेटर का और अग्रीमेंट फॉर सेल का और उसके उपरांत कन्वेंस डीड का भी एक प्रोफोर्मा होना चाहिए. और वो प्रोफोर्मा महारेरा में जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो ये प्रोफोर्मा सबमिट करने चाहिए और वो प्रोफोर्मा हो जाएगा अपलोड महारेरा के वेबसाइट पे. दोस्तों कई बार हमने देखा है, बहुत सारे नहीं देखे हैं लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसे देखते हैं कि अलॉटमेंट लेटर का प्रोफोर्मा अपलोड नहीं करते हैं, वो लोग एक लेटर लिख के छोड़ देते हैं कि हमारा तैयार नहीं हुआ इसलिए हमने अपलोड नहीं किया. अग्रीमेंट ऑफ सेल प्रोफोर्मा अपलोड नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे तैयार हो रहे हैं और महीनों के बाद यानी ये लोग लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट के बहुत सारे फ्लैट्स बेचते हैं और फिर कहते हैं नहीं हमारा अग्रीमेंट फॉर सेल तैयार नहीं है. ऐसा काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना पड़ेगा आपको अपलोड. और इसके अलावा प्रो कन्वेंस डीड, जब आपको कन्वेंस मिलेगा तो ये शायद अब कन्वेंस डीड जब कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं वो पोजेशन लेटर की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली कन्वेंस मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का जो कन्वेंस होगा सोसाइटी के साथ उसकी बात कर रहे हैं. कन्वेंस डीड कह रहे हैं तो शायद वही होना चाहिए, उसको अभी फिलहाल मैं छोड़ देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये सारे प्रोफोर्मास अपलोड होने चाहिए, ऐसे साफ भाषा में ये ऑर्डर में लिखा हुआ है. अगर बिल्डर कहता है तैयार नहीं है आप रेरा को कंप्लेंट करो. अगर बिल्डर कहता है तैयार है लेकिन मैं नहीं दूंगा, मैं रेरा में नहीं डालूंगा आपको ही दूंगा, रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो. क्लॉज 3 and 12 ऑफ द प्रोफोर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर अभी ये कह रहे हैं, ये हमें जरूरत लगा कि ये जो हमने ऑर्डर नंबर 30 पास किया उसमें क्लॉज 3 and 12 में कुछ चेंजेस लाने थे, इसलिए हमने ऑर्डर नंबर 31 पास किया हुआ है, नहीं तो ये सेम एज ऑर्डर नंबर 30 है. तो ऑर्डर नंबर 30 मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है लेकिन ये उसके ऊपर थोड़े प्लस हैं, प्लस पॉइंट्स हैं. अब मैं आपको समझाता हूं कि ये प्लस पॉइंट्स क्या है. प्रोफोर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर, तो पहले ऑर्डर नंबर 30 में उन्होंने डिसाइड किया था कि प्रोफोर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर प्रपोज टू बी साइंड विद द प्रोमोटर्स बाय द अलॉटीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद शल शब्द का मतलब क्या होता है, होना ही चाहिए. कानूनन आपको हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम बिल्डर को आदेश दे रहे हैं, हम मतलब रेरा बिल्डर को आदेश दे रहे हैं कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो मॉडल अलॉटमेंट लेटर जिसे रेरा ने अप्रूव किया है उसके हिसाब से होना ही चाहिए. ओके, आदेश है. तो दोस्तों जब रेरा आपके पक्ष में इतना मजबूत शब्द का इस्तेमाल करता है और आदेश देता है और मॉडल अलॉटमेंट लेटर देता है तो आपको अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा लड़ना भी जरूरी है. सभी काम रेरा करेगा, आप कुछ नहीं करोगे, बिल्डर आपको कुछ भी अलॉटमेंट लेटर में लिख के दे देगा, आप ले लोगे, गलत कर रहे हो. अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो. तो अपने हक के लिए थोड़ा सा लड़ना सीखो
आपके लिए एक मॉडल अलॉटमेंट लेटर रेरा ने दिया है, अब ये मॉडल अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलना चाहिए। ये बात को लेके आप लड़ने का जो काम है वो आपका है, और आपसे अगर नहीं बनता है तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा लड़ने के लिए। बिल्डर्स इस चीज में से बहुत फिसलने के रास्ते देखते हैं, भागने के रास्ते देखते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, पिरामल ने यह काम किया है, लोधा ने यह काम किया है, रुणवाल ने भी यह काम किया है। वो लोग मॉडल अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं देना चाहते हैं, भाग रहे हैं, वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो उनके तरीके क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये ऑर्डर आने के बाद, वैसे जून का जो ऑर्डर है वो 6 जून या 7 जून का ऑर्डर था, 6 या 7 जून के बाद आपको अगर अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, इट हैड टू बी एज पर प्रोफॉर्मा। ये 1 जुलाई का ऑर्डर है, इट हैज टू बी एज पर दिस प्रोफॉर्मा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, प्रीडेट कर देते हैं, वो लोग अप्रैल के डेट का अलॉटमेंट लेटर बना देते हैं और आपको जून में भेज देंगे, जुलाई में भेज देंगे, अगस्त में भेज देंगे, लेकिन अप्रैल का डेट डाल देंगे या मई का डेट डाल देंगे। गलत कर रहे हैं, अगर ऐसे करते हैं उनको ये रिटर्न कर दीजिए और कहिए नहीं सर सॉरी। दूसरा ये काम करते हैं कि वो लोग डेट सही डालते हैं लेकिन अलॉटमेंट लेटर अपने मन से, अपने मनमानी के साथ बना डालते हैं। सेम ओल्ड तरीका उनका, जो फ्लैट बायर का शोषण करने के लिए है। गलत तरीके से वो लोग अलॉटमेंट लेटर बना लेते हैं और उसमें फॉरफिट ये वो फलाना ढिमका सब लिख देते हैं। वन साइडेड अलॉटमेंट लेटर बनाते हैं जहां पे बिल्डर के पक्ष में सब कुछ होता है और बायर के पक्ष में कुछ नहीं होता है। तो ये एक पैटर्न वो सेटअप करते हैं, पहले से सेटअप करके आए हैं। वो पैटर्न को रेरा ने तोड़ा है और आप सिर्फ इस ऑर्डर का आधार पे के आधार पे आप लड़ सकते हो। आप अगर, और हमने ये कई बार किया, पिरामल को हमने ईमेल भेजे कि हमने, मतलब मैंने नहीं भेजा लेकिन इनके जो विक्टिम्स है जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं उनको मैंने बोला कि आप अलॉटमेंट लेटर मांगो इस तरीके के। तो उन्होंने अलॉटमेंट लेटर मांगा और वो बोले नहीं नहीं हम अपने मन से देंगे, ये ऑर्डर हमको एप्लीकेबल नहीं है और ऐसे सब बकवास। अच्छा, अब मैं आपको ऑर्डर का ये समझा रहा हूं, प्लीज आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। द टेबल ऑफ क्लॉज 9 ऑफ अलॉटमेंट लेटर प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम पीरियड नंबर ऑफ डेज विद इन विच बुकिंग कैन बी कैंसल्ड। क्लॉज 9 एक अलॉटमेंट लेटर के क्लॉज 9 में एक टेबल है, उसमें मिनिमम पीरियड विद इन विच बुकिंग कैन बी कैंसल्ड एंड अपर लिमिट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट टू बी डिडक्टेड इनकेस अलॉटी डिजायर्स टू चेंज द बुकिंग, कैंसिल द बुकिंग। आपके कितने अमाउंट कट सकते हैं। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो नंबर ऑफ डेज है वो बिल्डर बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। यानी आपको 15 दिन का कैंसिलेशन का टाइम दिया है, वो 30 दिन का कर सकता है या, लेकिन वो 15 दिन में से 10 दिन नहीं कर सकता है। सेम वे अगर वो 0.5% बोला है 15 दिन के बाद कैंसिल करोगे तो वो 0.5% को भी माफ कर सकता है, लेकिन वो 0.5% और 1% नहीं कर सकता है 15 दिन के अंदर के का, ये 15-20 दिन के बाद का जो ये है अमाउंट है। मतलब उन्होंने कहा भाई साहब आप पब्लिक के लिए अच्छा काम करना चाहते हो तो करो, लेकिन इससे कम मत करो, ये हम पब्लिक के लिए कह रहे हैं। तो पब्लिक के हित में उन्होंने जो कहा है, अब मैं सीधा यहां से जंप कर रहा हूं क्लॉज 9 के टेबल पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोफोर्मा जो है, प्रोफोर्मा मॉडल फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो इनके लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, उसमें लिखा हुआ है कि 15 दिनों के अंदर आपने अगर कैंसिल किया, मतलब अलॉटमेंट लेटर आपके पास आता है, मान लीजिए कि 1 अगस्त को आपके पास अलॉटमेंट लेटर आया, तो 15 अगस्त से पहले आपको ईमेल लिखना चाहिए। फोन पे बकवक मत करो, वो चिटचैट मत करो, व्हाट्सएप मत करो, ईमेल भेजो उनको, ऑफिशियल ईमेल लिखो प्लीज कैंसिल माय बुकिंग। अगर आपने 15 दिन के अंदर ये काम किया, अमाउंट टू बी डिडक्टेड निल, जीरो। विद इन 16 days to 30 days फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स, यानी 16वें दिन से 30वें दिन तक अगर आपने कैंसिल किया, समझो आपने 20 अगस्त को कैंसिल किया, तो 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेड यूनिट। मतलब अगर
1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो वो मैक्स टू मैक्स 1 लाख डिडक्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। आपने अगर 5 लाख का टोकन दिया है तो बाकी के वापस देने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर। अब अगर 31 से 60 दिन मतलब आपने दूसरे महीने में कैंसिलेशन किया तो 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेड यूनिट वो कैंसिलेशन ले सकते हैं। तो कितना होगा? 1.5 लाख रुपया। अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 1.5 लाख रुपया। आफ्टर 61 डेज फ्रॉम अश्योरेंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर अगर आपने कैंसिल किया तो 2% मतलब 2 लाख रुपया 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे वो लोग आपका डिडक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको स्फूर्ति से अगर कैंसिलेशन करना है तो 15 दिनों के अंदर ही कर देना चाहिए, और अगर लेट भी हुआ है तो स्फूर्ति से करना चाहिए। अब मैं आगे बताता हूं। बिल्डर्स 10% भी कैंसिल ये फॉरफिट करते हैं और 10% से ज्यादा भी फॉरफिट करते हैं। बुकिंग अमाउंट वो लोग लेते हैं 9.9% और वो कहते हैं पूरा कैंसिल हो गया, पूरा आपका फॉरफिट हो गया, नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो लोग रिफंड भी देते हैं, वो कहते हैं हमने जीएसटी दे दिया है, हम किसी भी खाते पे वो लोग ले लेते हैं, जीएसटी के खाते पे लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी के खाते पे लेते हैं, रिफंड नहीं देते। ये टाइप का काम बिल्डर करते हैं, बिल्कुल मना है। 2% ऑफ द सेड कॉस्ट ऑफ द सेड यूनिट आप डिडक्ट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, चाहे वो 60 दिन के बाद कैंसिल करो, लेकिन किसी भी समय आपने अग्रीमेंट के पहले अगर कैंसिल किया तो 2% से ज्यादा वो लोग जब्त नहीं कर सकते। ये साफ भाषा में लिखा हुआ है। अमाउंट डिडक्टेड शल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन द टेबल अकाउंट, ठीक है, वेरी क्लियर। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा काम है। ओके, अब इसके और भी फीचर्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसी के साथ में वो आपको ये अलॉटमेंट लेटर के साथ में उनके लिए अनिवार्य है कि वो प्रोफोर्मा ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल देंगे। अग्रीमेंट फॉर सेल का प्रोफोर्मा वो आपको देंगे, वो भी बाय मॉडल, यानी मॉडल अग्रीमेंट होना चाहिए। जो मॉडल अग्रीमेंट रेरा ने पब्लिश किया है, रेरा एक्ट के अंदर, रेरा रूल्स में है सॉरी, उसी के अंदर मॉडल अग्रीमेंट है, वही मॉडल अग्रीमेंट को पब्लिश कर वो यूज करना चाहिए। और अगर मॉडल अग्रीमेंट से हटके कुछ भी है उसको हाईलाइट करना जरूरी है कि ये मॉडल के अकॉर्डिंग टू मॉडल नहीं है, ये हमने अलग तरीके से किया है, ये सब हाईलाइट करके देना चाहिए आपको, ताकि आपको पता चले कि मॉडल अग्रीमेंट के हिसाब से क्या है और मॉडल से हटके क्या है। मॉडल से हटके होगा तो इसका मतलब कि वो आपके हित में नहीं है, वन साइडेड है, बिल्डर के तरफ है। तो वो चीज को आप नकार सकते हो, आप बिल्डर से कह सकते हो नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और बिल्डर कहता है कि वो एग्रीमेंट बदलना नहीं चाहता है, इसका मतलब आप कैंसलेशन के लिए मूव करोगे। मतलब अलॉटमेंट लेटर के साथ में आपको प्रोफोर्मा अग्रीमेंट आएगा, सीधा आप उसे अग्रीमेंट को एक बार उड़ते नजर से देखिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे भेजो, मुझे व्हाट्सएप करो वो प्रोफोर्मा एग्रीमेंट, मैं आपको समझाऊंगा और आप डिसीजन ले लो, स्फूर्ति से डिसीजन लो कि आपको कैंसिल करना है या आगे बढ़ना है। अगर मैंने फोन नहीं उठाया मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। समझ गए? अब इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है कि अगर ये जो आदेश है, ये आदेश के हिसाब से बिल्डर ने काम नहीं किए, नॉन कंप्लायंस ऑफ द अबव और इफ द डिविएशंस मॉडिफिकेशंस प्रपोज्ड बाय बिल्डर इन प्रोफोर्मा ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल आर कॉन्ट्ररी टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी एक्ट के अगेंस्ट जाने वाले कोई काम अगर बिल्डर ने किया तो बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। आप समझ गए? अगर बिल्डर्स ने ये आदेश नहीं माना तो आप सीधा उनके गले पे पहुंच सकते हो, उनका गला दबा सकते हो। आप रेरा के पास कहिए कि कैंसिल करो इनका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये आपके आदेश मान नहीं रहे हैं। और दोस्तों बड़े बड़े बिल्डर्स इनके आदेश मानते नहीं है, एक बार उनको सबक सिखाना जरूरी है। आप
सीधा उनके ऊपर बहुत मजबूत वार कर सकते हो। अच्छा, अब ये अलर्टमेंट लेटर में और क्या क्या लिखा हुआ है मैं अभी एक या दो मिनट में आपको बड़ी मोटा मोटी समझा रहा हूं। दोस्तों, ये टेबल के अलावा उन्होंने आपसे आपको यही अलॉटमेंट लेटर में लिख के देना है कि आपको किस टाइप का पार्किंग दे रहे हैं। ओपन पार्क कार पार्किंग है, क्लोज्ड कार पार्किंग है, स्टिल्ट है, जो भी है, पजल है, वो सब लिख के देना है। और अगर प्लॉट है, अगर आपको प्लॉट दे रहे हैं, तो वो प्लॉट किस प्लॉट के अंदर आता है, जो सब डिविजन है उसका सिटी सर्वे नंबर क्या है, वो प्लॉट का हिस्सा नंबर क्या है, वगैरह वगैरह सब लिख के देना चाहिए आपको टोटल। अच्छा, दूसरी बात है दोस्तों, इसी में मुझे लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा इसको और थोड़े डिटेल में समझाने के लिए, तो बना दूंगा। लेकिन चलिए अभी इस वीडियो में मैं आपको एक दो और इम्पोर्टेंट बातें मैं समझा देता हूं। बिल्डर्स हमेशा आपके साथ आर्ग्यू करते हैं कि आपने 9.9% नहीं दिया है इसलिए, या 10% नहीं दिया है इसलिए हम अलॉटमेंट लेटर इश्यू नहीं कर रहे। तो यहां पे ये बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, रिसीट ऑफ पार्ट कंसिडरेशन। उन्होंने थोड़ा भी अगर आपसे पैसे लिए हैं, अलॉटमेंट लेटर देना जरूरी है। अलॉटमेंट लेटर दिए बगैर वो आपसे ज्यादा पेमेंट मांगते हैं कि 10% दे दो। पहले कितना कब वो डिमांड करेंगे वो सब अमाउंट्स, ओके। यू हैव रिक्वेस्टेड अस टू कंसिडर पेमेंट ऑफ बुकिंग अमाउंट इन स्टेजेस। वी कन्फर्म टू हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू दिस मच अमाउंट एंड देन द फॉलोइंग मैनर, बुकिंग अमाउंट शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर ऑन फॉलोइंग डेट्स। वो डेट्स लिख के उनको देना चाहिए। और उसका टोटल 10% से नहीं हो सकता है, इसका मतलब अलॉटमेंट लेटर से पहले वो 10% कतई नहीं ले सकते हैं। लेकिन 10% लेने से पहले अलॉटमेंट लेटर इश्यू करना चाहिए, ऐसा ये कहता है। अलॉटमेंट लेटर आप 1% देके भी अलॉटमेंट लेटर ले सकते हो। तो बिल्डर ऐसे नहीं कह सकता अरे तुमने 10% नहीं दिया मैं अलॉटमेंट लेटर नहीं दूंगा। आप मांग सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो, क्योंकि ये अलॉटमेंट लेटर का प्रोफोर्मा आपको सपोर्ट कर रहा है और ये आदेश आपको सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों, मैं एक या दो मेन पॉइंट्स कह के आपको अगली बार मिलता हूं। तो ये इसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा है, इन नो इवेंट द अमाउंट टू बी फॉरफिटेड शैल एक्सीड द अमाउंट मेंशनड इन द रेफर्ड टेबल। मतलब 2% मैक्स टू मैक्स वो फॉरफिट कर सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। बहुत क्लियर कट है। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।